गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स अब हम लोग फॉरेन ब्रांच में जो हमारा कंसेप्ट है उसकी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ें। मैसर्स एम एंड एस कंपनी ऑफ लखनऊ हैज़ अ ब्रांच इन कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया। एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2017 द फॉलोइंग लेजर बैलेंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ लखनऊ ऑफिस इन कैनबेरा। ये हमारे लखनऊ ऑफिस है और ये हमारा कैनबेरा ब्रांच है जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में है। ये हमारी शेयर कैपिटल्स वगैरह दे रखी हैं, ठीक है, रिजर्व सरप्लस प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, डेटर क्रेडिटर्स स्टॉक ब्रांच स्टॉक रिजर्व परचेज सेल गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब देखिए गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है वो हमारा दिया है इसमें क्वेश्चन में 100 है और इनके यहाँ पर मिला है 20। अगर कोई इन ट्रांजिट आइटम नहीं है तो इसकी कन्वर्जन इसी अमाउंट पर होगी, ठीक है। इसी तरीके से ब्रांच ऑफिस एंड हेड ऑफिस करंट अकाउंट है, तो ये देखिए। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं सबसे पहले हमें एक तो जो ट्रायल बैलेंस फॉरेन करेंसी में दिया है उसे हमें कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। इसके बाद हम ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे कंबाइंड ब्रांच का और हेड ऑफिस का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में जो दिया है स्टॉक दे रखे हैं, हेड ऑफिस ऑलवेज सेंड गुड्स टू ब्रांच एट 25% अबव कॉस्ट, प्रोविजन 5% का मेंटेन करना है, डेप्रिशिएशन प्रोवाइड करना है इस रेट से। सो यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द ब्रांच ट्रायल बैलेंस इनटू रुपीस और प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल, ठीक है। पहले हम ब्रांच का ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कंपनी का नाम एम एंड एस कंपनी लिमिटेड, फिर लिखेंगे कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ कैनबेरा ऑस्ट्रेलियन ब्रांच, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे पर्टिकुलर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बेसिस, चलिए ये आपका डेबिट और ये क्रेडिट, ये रेट, ये आपका आ जाएगा इंडियन रुपीज में डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। चलिए ये है रुपीज इन 1000। सिर्फ आप ब्रांच वाले जो लाइन आइटम्स हैं उन्हीं को लेना है। तो ब्रांच में एक आपका दिख रहा है प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी रिजर्व, तो ये आप लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट, ये 200 है, और फिर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन रिजर्व, ये आपका 130 है, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, स्टॉक दे रखा है हमारा 20 का है, नहीं, डेटर एंड क्रेडिटर 60 एंड 30 के हमारे डेटर एंड क्रेडिटर हैं, ठीक है। फिर उसी के नीचे आएंगे 20 रुपीज़ का आपका स्टॉक है जो 1 अप्रैल 2016 को है, 20,000 डॉलर हो गया वैसे तो। इसके बाद है ब्रांच स्टॉक रिजर्व, वो हमारी बुक्स में नहीं है, कैश एंड बैंक बैलेंस हमारा 10 दे रखा है, कैश एंड बैंक बैलेंस हमारा 10 है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसके बाद है परचेज एंड सेल्स, तो 20 एंड 123 की,
परचेज एंड सेल, 20 की परचेज की है, 123 की सेल की है। इसके बाद है गुड्स सेंड टू ब्रांच, हमारे यहाँ से 100 के गया, वहाँ पर 5 रुपये। सो गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, ये 5 का हो गया, ठीक है। इसके बाद अब है हमारा वेजेज रेंट एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। वेजेज रेंट ऑफिस एक्सपेंसेस, वेजेज हमारे हैं 45, रेंट 12 है, ऑफिस एक्सपेंसेस 18 है। फिर आपका कमीशन की रिसीट हुई है यहाँ पर 100 की। और देखिए क्या है, ब्रांच हेड ऑफिस करंट अकाउंट हमारा है, वो 7 का, ठीक है जी। चलिए इसका टोटल करेंगे, ये टोटल आ रहा है आपका 390, ठीक है जी। अब क्वेश्चन पढ़िए, नीचे क्वेश्चन में लिखा है इन्होंने कि इनके रेट्स क्या हैं। ओपनिंग रेट हमारा 50 है, क्लोजिंग रेट 53 है, एवरेज रेट 51 है, और फिक्स एसेट्स के लिए जो रेट है वो 46 का है। तो फिक्स एसेट्स का रेट 46 है, तो यहाँ पर 46 लिख दीजिए। ये आपके क्लोजिंग रेट से जाएंगे, तो क्लोजिंग रेट आपके 53 हैं। ये आपका ओपनिंग रेट से आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग, ये एवरेज रेट से जाएगा 51। ये आपका जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन है उससे जाएगा, ये एवरेज रेट से, और ये आपका एक्चुअल ट्रांजेक्शन से, ठीक है। तो ये अमाउंट आती है 9200 and 5980। फिर इसको करेंगे तो ये आएगा 3180 and 1590। फिर दिस विल बिकम 1000, दिस विल बिकम 530, ठीक है। ये आपका होगा 1020 6273, ये एक्चुअल आपका मैंने बताया था जो हमारी बुक्स में उस पर आ जाएगा। ये 2295 612 918, ये 5100, और ये हमारा एक्चुअल पे जाएगा, ठीक है जी। इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारा 1906 3 1906 3। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है 208, और ये डिफरेंस हमारा कहलाएगा फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन में नीचे आप देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है कितना, वहाँ पर है 3125 का, ठीक है जी। सो क्लोजिंग स्टॉक ये 3125 है, इसका जो रेट होगा वो क्लोजिंग रेट होगा, तो अमाउंट आएगी 165625, ठीक है। हमने क्लोजिंग स्टॉक को भी कैलकुलेट कर लिया। चलिए तो पहला था हमारा ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना है, अब दूसरा है हमारा कि भाई कंबाइंड ट्रेडिंग P&L बनाना है, ठीक है। इससे पहले हम डेप्रिसिएशन
जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट और कर लेते हैं। ठीक, चलिए इसी के नीचे बना देते हैं, फिर हमारा ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग पीएल हमारा इजीली बन जाएगा। तो एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, वो होगा आपका कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पर हम हेड ऑफिस का लिख लेते हैं और यहाँ पर ब्रांच का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में जो दिया है हमारे पास, हमें लगाना है डेप्रिसिएशन 10% बिल्डिंग पे और प्लांट एंड मशीनरी पे 20%। तो हमारी जो बिल्डिंग है वो यहाँ 1000 की है, इस पे डेप्रिसिएशन रिजर्व जो है वो कितने पे है? डेप्रिसिएशन रिजर्व देखिए 200 का है। इसका मतलब है रिटेन डाउन वैल्यू मेरी कितनी हुई? 800। तो 10% से जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 80। ठीक है जी, अब प्लांट एंड मशीनरी की बात करें। प्लांट एंड मशीनरी में जो हमारी कॉस्ट है वह हेड ऑफिस की है 2500, रिजर्व उस पर 600 है। तो ये 2500 है और इस पर रिजर्व 600 है, ये 9200 है और इस पर रिजर्व 5980 है। ये आपने कन्वर्ट किए ना, वो आएंगे अब। तो रिटेन डाउन वैल्यू हमारी आई 1900 और इसकी और कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस कम्स टू 3220। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन 20% से करेंगे तो ये आएगा 380 और 644। ठीक है, तो 80 आपका ये हो गया। तो टोटल डेप कितना आया? हेड ऑफिस में लग रहा 460 और ब्रांच में लग रहा है 644। ठीक है, बाकी और जो वर्किंग होगी उनके बेसिस पर कर लेंगे। अब हमें बनाना है ट्रायल बैलेंस, बन चुका है हमारा। अब हमें बनाना है ट्रेडिंग पीएल, ध्यान से बनाना है, इसमें कोई भी गलती होगी तो आपका पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, ध्यान से करना है बस। चलिए करते हैं, हमें बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है जी, नीट एंड क्लीन, थोड़ा अनटाइडी इसलिए होगा क्योंकि इसमें दोनों ही फिगर्स आएंगी, बट कोशिश करें कि जितना नीट हो सकता है उतना बनाएं। ये हमने कॉलम पर्टिकुलर के लिए निकाल दिया, ठीक है जी। अब ये कॉलम आपका हेड ऑफिस का हो गया, ये कॉलम आपका ब्रांच का हो गया और ये आपका टोटल का हो गया। ये हेड ऑफिस का कॉलम हो गया, ये ब्रांच का कॉलम है और ये आपका टोटल का कॉलम है। ठीक है, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट के लिए लाइन मैंने खींच दी। चलिए पहले हम सबसे पहले लाइन आइटम्स लिख लेते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे लिखे ओपनिंग स्टॉक परचेज
गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, वेजेज एंड सैलरीज, ठीक है जी, ट्रायल बैलेंस के हिसाब से वेजेज एंड सैलरी के अलावा जो खर्चे थे वो रेंट और ऑफिस एक्सपेंसेस, ये हमारे यहाँ पर आएंगे, रेंट ऑफिस एक्सपेंसेस ये हमारे यहाँ पर आएंगे। इसके बाद हमें प्रोविजन बनाना है फॉर बैड डेट्स 5% से, डेप्रिसिएशन हमें लिखना है यहाँ पे, ठीक है, जो कमीशन आपको मिला था ब्रांच में वो आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब वैल्यूज लिख लें। हमें सिर्फ ट्रेडिंग पीएल बनाना है तो बैलेंस शीट के आइटम को भूल जाइए। तो बैलेंस शीट के आइटम आपके ऊपर से देखिए, बैलेंस शीट नहीं बनाने के लिए बोला है, ये सारे आइटम आपके बैलेंस शीट के हैं, ठीक है, इसके नीचे भी हैं बट ये मेजरली हैं। अब जैसे ओपनिंग स्टॉक है तो हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे कितना, 100 हेड ऑफिस का, एंड इसका आपका था 1000, ठीक है जी। फिर आई परचेज, परचेज कितनी है, हेड ऑफिस में 240 520 की है और इसमें, तो परचेज इसमें 240 है, यहाँ पर सेल लिखेंगे, ये 520 की है और इनकी जो परचेज सेल है वो 1020 एंड 6273 की हो गई, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब परचेज सेल हो गई, गुड्स सेंड टू ब्रांच यहां से 500 का गया है, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच यहाँ से 100 का गया है तो यहाँ 100 का ही रिसीव होगा, ठीक है। फिर देखिए मैनेजिंग पार्टनर सैलरी, ये हमारे हेड ऑफिस का पार्ट है तो वो हेड ऑफिस में जाएगा जनरल P&L में। वेजेस सैलरी 75 एंड 45 है तो यहाँ 75 आ जाएगी और ये 45 से जो ट्रायल बैलेंस से आएगा वो 2295 है, ठीक है। इसके बाद रेंट ऑफिस एक्सपेंसेस एंड कमीशन रिसीट्स, तो रेंट आप यहाँ लिख दें, हेड ऑफिस में रेंट है नहीं, यहाँ पर रेंट था 612, ऑफिस एक्सपेंसेस में हमारे ट्वेंटी फाइव के हैं, और ये 918 के हो गए, ठीक है। फिर कमीशन है वो यहाँ पर 5100 का आ जाएगा और क्या बचता है, रेंट ऑफिस एक्सपेंसेस कमीशन। देखिए अब हमने मोस्टली सारी चीज़ें कर ली हैं, इन्होंने बोला था प्रोविजन बनाना है 5% से, तो जो डेटर आपके हैं उस पर प्रोविजन बना दीजिए, तो आपके हेड ऑफिस के डेटर 280 हैं तो इस पर प्रोविजन बनेगा 14, और जो आपके ब्रांच के डेटर हैं वो हैं 13180 के, उस पर प्रोविजन बनेगा आपका 159 का, ठीक है। डेप्रिसिएशन की वर्किंग हमने करी थी तो डेप्रिसिएशन की यहाँ पर 480 आ रहा है और यहाँ पर 644 आ रहा है, और तो कुछ ऐसा लाइन आइटम है नहीं। अब हाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखना है तो क्लोजिंग स्टॉक आप यहाँ पे लिखें, ये आपका 150 है और ये 165.625 हो गया, ठीक है।
चलिए और कुछ है? नहीं, बस अब आप इसे टोटल कर दीजिए। चलिए, तो इस तरफ का जो टोटल आएगा वो आएगा आपका 370, 355, 355, 355। नहीं, इसमें भी देखिए कमीशन रिसीट है, आपने देखा नहीं है, 256 का कमीशन है हेड ऑफिस में, 256। ये बना हमारा 611, 611, तो नेट प्रॉफिट आएगा हमारा 112 का, ठीक है जी। ऐसे ही इसका टोटल करिए तो ये आएगा 6438.625, 2023.625। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है जी। तो यहां पर आ रहा है 7123.625, 7123.625, तो ये आया 4790.625। अब आप एक जनरल P&L बना लीजिए, आप लिखें नेट प्रॉफिट फ्रॉम हेड ऑफिस एंड ब्रांच, ये कितना आ रहा है, ये 112 आ रहा है, ये 4790.625 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप मैनेजिंग पार्टनर की जो सैलरी है वो लिखिए, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज का लॉस है 208 वो लिखिए, ठीक है जी। ये हो गया आपका अच्छा, आपके पास स्टॉक रिजर्व था 4 रुपए का बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व लिखिए 4 रुपए का, तो ये हो गया 4906.625। फ्रेंड, यहाँ पर हमें ये नहीं बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड है कि नहीं है, और यहाँ लिखा है ऑल स्टॉक्स आर आउट ऑफ परचेज मेड एट एब्रॉड, इसका मतलब है इसमें कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो ब्रांच से आया है, और अगर ऐसा है तो इसमें फिर स्टॉक रिजर्व हमारा नहीं बनेगा, ये सीधा नेट प्रॉफिट कैरी डाउन हो जाएगा, दैट कम्स टू 4668.625। लिख देंगे नो स्टॉक रिजर्व टू बी मेंटेन एज क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट कंटेन एनी स्टॉक रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, ये हमारा पॉइंट टू रिमेंबर आ गया, कोई स्टॉक इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। बस अब ये हमने कर ही दिया है, इसके बाद ये टोटल कर दीजिए, ये तो बच्चों का काम है, वैसे तो नहीं भी करें कोई दिक्कत नहीं है, बट कर देते हैं। ये हमारा 1260, ये 100, ये 2370,
ये आएगा हमारा, तो 6793 100 315.625, ये आता है 7208.625 7208.625, सो दिस कम्स टू 2378.625, ठीक है, तो 2378.625, 5356, सो दिस कम्स टू 7734.625, 7734.625, 612 943 173 1104, सो दिस विल बिकम 4902.625, ठीक है, और ये आपने यहाँ पर ले लिया है। चलिए, समझ आ गया, अच्छा था क्वेश्चन, सिंपल एंड गुड, थैंक यू वेरी मच।